एंटी करप्शन हेल्पलाइन ते कंप्लेंट 18/2/23 नू परमिंदर सिंह सिद्धू मलसिया बाजन ते ने उन्होंने की सी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट विच ए अपने शिकायत की 26 लाख रुपया उस कोलों सी ए हैगा अशोक सरीन उन्हें ले ले है इनकम टैक्स अफसर के नाते, क्योंकि उन्हें रिश्तेदार किसी न कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया सीगा, वो उन्होंने फाइल करने वास्ते इनू अप्रोच की। वो यूएसए इन्हां दे रिलेटिव रहिंदे सी, उन्होंने इन्हां नू दस्या भी तुसीं उत्थे जाके उन्होंने गल करो, और सीए ने उन्होंने फिर ड्राफ्ट धमका के उन्होंने इन्हां नू दस्ता तुहाडा बहुत ज़्यादा फाइन हो जाना। तो इन्होंने फिर उन्होंने 25 लाख मंगया, इन्होंने फिर 25 लाख सारे इकट्ठे कुट्ठे करके इन्होंने इनू कैश दिता सीगा इहदे घरे। 15/1/23 में 25 लाख दिता, और 26/1/23 में 1 लाख द्वारा फिर मंगया, ये कहिंदा जी थोड़े होर हैगे उन्होंने देने हैगे। और ये फिर जो कंप्लेंट आई है सारी वेरीफिकेशन की है, और वेरीफिकेशन ते हालात सही पाए गए, और इनकम टैक्स अफसर के नाते इसने जिहड़ा सी ए हैगा इन्हें पैसे ले 26 लाख रुपया इन्हें ले लिया, और 7A PC Act तहत मुकदमा दर्ज करता और इन्हू अरैसट कर लिया, कल इन्हू पेश किया जाएगा। डिमांड 26 लाख की ही की सी, बाद चो 1 लाख होर मंगया, 26 लाख टोटल हो गया सगा, अजे होर भी मंग रहा सगा। और बाकी जड़ा इन्हें इनकम टैक्स अफसर के नाँ पर मंगे है, बाकी सारा रोल जरा सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाल तालमेल करके अगली फर्दर कार्रवाई की है। इन्वेस्टिगेशन जो भी फर्दर कोई गल सामने आई उस हिसाब से करनी की नहीं। फिलहाल तो अशोक सरीन की ही इनवॉल्वमेंट पाई गई है, बाकी फर्दर किसी की इनवॉल्वमेंट पाएगी तो वह कार्रवाई की है। ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन से कंप्लेंट 18/2/23 में परमिंदर सिंह सिद्धू मलसिया बाजन ते ने उन्होंने की सी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट विच ए अपने शिकायत की 26 लाख रुपया उस कोलों सी ए हैगा अशोक सरीन उन्हें ले ले है इनकम टैक्स अफसर के नाते, क्योंकि उन्हें रिश्तेदार किसी न कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया सीगा, वो उन्होंने फाइल करने वास्ते इन्हू अप्रोच की। वो यूएसए इन्हां दे रिलेटिव रहिंदे सी, उन्होंने इन्हां नू दस्या भी तुसीं उत्थे जाके उन्होंने गल करो, और सी ए ने उन्होंने फिर ड्राफ्ट धमका के उन्हू इन्हों दसता तुहाडा बहुत ज़्यादा फाइन हो जाना। तो इन्होंने फिर उन्होंने 25 लाख मंगया, इन्होंने फिर 25 लाख सारे इकट्ठे कुट्ठे करके इन्होंने इनू कैश दिता सीगा इहदे घरे। 15/1/23 में 25 लाख दिता, और 26/1/23 में 1 लाख द्वारा फिर मंगया, ये कहिंदा जी थोड़े होर हैगे उन्होंने देने हैगे। और ये फिर जो कंप्लेंट आई है सारी वेरीफिकेशन की है, और वेरीफिकेशन ते हालात सही पाए गए, और इनकम टैक्स अफसर के नाते इसने जिहड़ा सी ए हैगा इन्हें पैसे ले 26 लाख रुपया इन्हें ले लिया, और 7A PC Act तहत मुकदमा दर्ज करता और इन्हू अरैसट कर लिया, कल इन्हू पेश किया जाएगा। डिमांड 26 लाख की ही की सी, बाद चो 1 लाख होर मंगया, 26 लाख टोटल हो गया सगा, अजे होर भी मंग रहा सगा। और बाकी जड़ा इन्हें इनकम टैक्स अफसर के नाँ पर मंगे है, बाकी सारा रोल जरा सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाल तालमेल करके अगली फर्दर कार्रवाई की है। ये करांगे इस इन्वेस्टिगेशन जो भी फर्दर कोई गल सामने आई उस हिसाब से करनी की है। नहीं, फिलहाल तो अशोक सरीन की ही इनवॉल्वमेंट पाई गई है, बाकी फर्दर किसी की इनवॉल्वमेंट पाएगी तो वह कार्रवाई की है।